हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग कोएंजी आवा ओदोरी डांस फेस्टिवल का सेकंड एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने आपको इस फेस्टिवल का एक खूबसूरत डांस दिखाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो खूबसूरत डांस मिस मत कीजिएगा। देखिए सब कितना बढ़िया ड्रम्स और फ्लूट बजा रहे हैं। ये लोग डांस तो नहीं कर रहे हैं, पर सैंडल वही है। मुझे लगता है अगर प्रैक्टिस ना हो तो इस सैंडल को पहनकर चलना भी मुश्किल होगा। अब आ रहे हैं ये छोटे छोटे से बच्चे, देखिए कितना एनर्जी है इन बच्चों में। इससे पता चलता है कि इस डांस में पार्टिसिपेंट्स का कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, हर तरह एज के लोग हैं। बच्चों का एनर्जी तो कुछ अलग ही लेवल पे है। देखिए बच्चों ने जो शू पहना है ना, वो कपड़े का है। मैंने जापान में मात्सुरी और इस डांस फेस्टिवल में देखा है, लोग इस तरह के जूते पहनते हैं। पीछे अगली टीम रेडी हो रही है परफॉर्म करने के लिए, ब्लू ड्रेस में। उसमें भी छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं और जो एडल्ट्स हैं वो लोग सिर्फ ड्रम्स और फ्लूट प्ले कर रहे थे। अब नई टीम रेडी हो गई है, देखिए पोजीशन ले लिया उन्होंने। इतना सुंदर लग रहे हैं परफॉर्मर्स। हाँ, ये लोग का भी स्टेपिंग्स वैसे ही है। इस टीम में बॉयज फैन लेके डांस कर रहे हैं और गर्ल्स वैसे ही अलग स्टेप्स कर रहे हैं, वही शूज में। इस तरह से चलना कितना मुश्किल होता होगा। इतना अच्छा डांस किया इन्होंने। इसमें भी पूरा एकदम जापानीज इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं सब। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।